सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल की तरफ से लॉन्च होने वाले गूगल पिक्सल 8 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, जिसके अंदर आपको हर बार की तरह इस बार भी दो नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, गूगल पिक्सल 8, गूगल पिक्सल 8 प्रो। हाँ, ये दो लॉन्च होने के बाद आपको और भी चिंटू मिंटू स्मार्टफोन इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन पहले आपको यही दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और गुरु, आप सभी को तो पता होगा कि पिक्सल 7 सीरीज के स्मार्टफोन कितने तगड़े स्मार्टफोन थे और उनके अंदर आपको कितने फीचर्स दिया गया था, लेकिन आप ये सुन के हिल जाओगे कि गुरु, पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर आपको पिक्सेल 7 सीरीज के कंपैरिजन में और भी बहुत सारे तगड़े फीचर्स दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन आपको बहुत ही मेजर अपग्रेड के साथ देखने को मिलेगा। तो गुरु, कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पिक्सेल 8 प्रो के बारे में, जिसका थोड़ा बहुत स्पेक्स लीक होके बाहर निकल कर आ चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल पिक्सेल 8 प्रो के सारे स्पेक्स के बारे में। तो गुरु, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु प्लीज आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकूं। तो गुरु, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। तो गुरु, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड। तो गुरु, डिस्प्ले की बात करें तो पिक्सेल 8 प्रो के अंदर आपको एक 6.52 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 120 हर्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और इस बार भी आपको डिस्प्ले के अंदर सेंटर पंचोल देखने को मिलेगा, जहां पर अगर हम बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको कौन सा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी लीक नहीं हुआ है। लेकिन गुरु, आप ये मान के चलो कि इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु, उसके बाद अगर हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर अगर हम डिजाइन की बात करें तो पिछले साल के पिक्सेल 7 सीरीज के स्मार्टफोन आपको जैसा देखने को मिला था, इस साल के पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन भी आपको ठीक वैसा ही देखने को मिलेगा। खाली आपको पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा लेआउट होगा वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो गुरु, कुल मिला के बात करें तो डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी तीनों ही आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और भाई साहब, उसके बाद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर आपको गूगल टेंसर G3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर करूं तो ये आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 की तरह परफॉर्मेंस निकल के देगा, क्योंकि टेंसर G3 एक 4 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर चिपसेट है और 4 नैनोमीटर होने की वजह से ये आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ ये आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी निकाल के दे देगा। उसके बाद अगर हम एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो गुरु, ये गूगल के स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिलेगा। और वेरिएंट्स की बात करें तो इस साल भी ये स्मार्टफोन आपको एक ही वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु, उसके बाद अगर हम कैमराज की बात करें तो गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप हर बार देखने को मिलता है, और इस बार भी आपको बहुत ही बेहतर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आज तक आपको जितने भी पिक्सेल स्मार्टफोन देखने को मिला है उनके कंपैरिजन में पिक्सेल 8 सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर आपको सबसे बेहतर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु, यहां पर जो लीक्स बाहर निकल कर आया है उसको देख के लग रहा है कि पिक्सेल 8 प्रो के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और उसके बाद आपको 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो एज यूजुअली फ्रंट कैमरा आपको एक 11 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको रियर कैमरा के अंदर OIS और EIS दोनों देखने को मिलेगा, और आप रियर कैमरा के अंदर 4K 30fps पे और 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वहीं पर आप फ्रंट कैमरा से भी 4K 30fps पे और 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और उसके बाद अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो पिक्सेल 8 प्रो के अंदर आपको 5100 mAh का बैटरी दिया जाएगा, जो कि आराम से आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकल के दे देगा। क्योंकि गुरु, टेंसर G3 एक बहुत ही बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, ऊपर से पिक्सेल के स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकल के दे देगा। लेकिन उसी के बीच में अगर आपका बैटरी के भी डिस्चार्ज हो गया तो आपको गूगल की तरफ से
44 वाट का चार्जर दिया जाएगा और चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में टाइप सी वाला पोर्ट देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया जाएगा और प्राइसिंग की बात करें तो अभी के टाइम पर पिक्सल 7 प्रो इंडिया में आपको फ्लिपकार्ट के अंदर 81,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि जो पिक्सल 8 प्रो होगा वो जब इंडिया में आएगा मुझे लगता है कि वो आपको 90,000 के आसपास या फिर 1,00,000 के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद पिक्सल 7 प्रो का प्राइस डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो गुरु अभी के लिए बस इतना, आज के टाइम पर पिक्सल 8 प्रो के बारे में इतना ही कुछ लीक होकर बाहर निकल कर आया है, आगे भी इसके बारे में जो भी लीक्स बाहर निकल कर आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो गुरु आज के लिए बस इतना, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। तो गुरु बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।